सर्जिकल स्ट्राइक्स हिंदुस्तान की जनता को मुबारक हो। आखिरकार हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से ये पॉलिसी बनी और ये शुरू हुआ कि जो टेरर है, जो आतंक है, उसको रोकने के लिए हमेशा जो एक खामोशी थी और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जाते थे, टेरर के मुसलसल हमले किए जाते थे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था, कोई ऐसा जवाब नहीं था। क्योंकि जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बारे में भी बहुत सी ऐसी बातें थी, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने वहां जाकर काम किया है और ये जो आतंक के गढ़ हैं, ये आतंक के गढ़ जो हैं, ये जिन नामों पे चलाए जा रहे हैं, इनका उन नामों से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जो पूरी इंसानियत के खिलाफ है। हिंदुस्तान के जनता के साथ, आपके साथ हम बलूच आपके साथ खड़े हैं, और आप ही की तरह बलूच भी पाकिस्तान के आतंक से हर रोज हम अपनी जनाजे उठाते हैं, हम हर रोज लाशें उठाते हैं, हर रोज इनके आतंक और इनकी जो मौत की जो पॉलिसीज हैं, इनकी जो इंसान खुशी की पॉलिसीज हैं, उसका पहला शिकार तो हम बलूच ही होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जा जाकर ये जितना आतंक करते रहे और एक खामोशी थी जिसकी वजह से इनका आतंक बढ़ता चला गया, पर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स 2.0 जो एक तरह से अब इसका इनकी जो ज्यादतियां हैं, जो जुल्म है और जो इनका आतंक है, उसका रास्ता रोकने की तरफ एक बहुत ही अच्छा अमल है।